जैसे यूसुफ जब मिस्र में जब छोटा बच्चा था तो वो बेचा गया, बोलो क्या, वो बेचा गया, उसके भाइयों ने उसे बेच दिया क्योंकि उसने एक दर्शन देखा, तो उसने भाइयों ने कहा ये हम पर क्या करेगा, बड़ा होकर हम पर ही प्रभुता करेगा, हम पर ही राज करेगा, इससे अच्छा उन्होंने पहले सोचा इसे मार देते हैं, फिर कहा नहीं नहीं ये पाप है, दूसरे ने कहा चलो हम ऐसा करते हैं इसे इस दल को बेच देते हैं, क्योंकि ये जो योजना थी जो परमेश्वर की थी। अब जो इस समय की परमेश्वर की योजना है हमने समझनी है, समझ आ रही है। और दाऊद ने तो परमेश्वर की उस समय की यूसुफ ने तो परमेश्वर की उस समय की योजना को, चाहे वो बेचा गया, चाहे दुख में रहा, मिस्र में चला गया, एक पोती घर के पोती पर जो एक सेनापति था उसके घर में एक नौकर रहा, नौकर बन के वो उसने उसकी फर्श झाड़ू क्या क्या काम किया, दुख में रहा, क्या रहा, पर किसकी इच्छा में रहा। और एक दिन परमेश्वर का अनुग्रह पर प्रकट हुआ और उसी पोती पर जो सेनापति था उसी के घर का परमेश्वर ने उसे उत्तराधिकारी बना दिया। और शैतान को जलन हुई, क्या हुई शैतान को जलन हुई कि ये तो मैंने तो इसे क्या करना चाहा और ये तो क्या हो गया, अब मैं ऐसा करता हूं, उसने चाहा चलो मैं इसे फंसाता हूं, पोती पर की पत्नी का मन खराब किया, उसने कहा तू मेरे संग क्या कर, वो वहां से भागा, उसने कोई कुकर्म नहीं किया, पाप नहीं किया, बोलो क्या है, क्योंकि पोती पर की पत्नी ने उसके उसे कहा तू मेरे संग क्या कर, कुकर्म मतलब गलत काम कर, क्योंकि शैतान उसे पाप में गिराना चाहता, पर यूसुफ अपनी खरियाई में अपनी सच्चाई में बना रहा, वहां से भागा, उसने कोई पाप नहीं किया, चाहे वो ज्यादा दुख में चला गया, वो 8 साल जेल में रहा, पर खुदावंद की सच्चाई में वो बना रहा। हमने बने रहना है, मेरा समझाने का मतलब आज समझ लो, अभिषेक का तेल पवित्र आत्मा की सामर्थ का अभिषेक क्या है, अभी मैं आपको आगे आप समझते जाओगे हमने करना क्या और अभिषेक है क्या चीज, क्योंकि यूसुफ का भी एक अभिषेक हुआ ना, क्या हुआ था, जिस काम के लिए परमेश्वर ने उसका किया है उसको उसने इस्तेमाल किया है, समझ आ रही, पर उसने अपने अभिषेक का क्या नहीं किया, समझ आ रही, और खुदा की खरियाई में उसके सच्चाई में बना रहा, कोई पाप नहीं किया, चाहे वो जेल में रहा कितने साल, वहां पे भी परमेश्वर की इच्छा में रहा, बोलो क्या रहा, और कितने लंबे समय बाद परमेश्वर ने उसे, क्योंकि परमेश्वर देखता है तुम्हारी वफादारी को, तुम्हारे मन को, तुम क्या कर सकते हो मेरे लिए, वो देखता है। कई बार लोग थोड़ा समय चलते हैं, महीना 2 महीने 6 महीने साल 2 साल तक वो देखते हैं कुछ होता है कि नहीं होता, पर जिस परमेश्वर ने आपको अंधकार में से चुना है, बुलाया, वो आपको देखता भी है, आपको सुनता भी है, आपको वो समझता भी, वो बाइबल में लिखा जिसने तुम्हें आंखें दी है, जिसने तुम्हें कान दिए, वो तुम्हें देखता भी और तुम्हें सुनता भी, पता है कि नहीं पता, पर वो देखता है तुम्हारा मन कैसा है, तुम मेरे प्रेम के लिए कैसा दिल रखते हो, कैसा मन रखते हो, वो देखता है, जैसा यूसुफ रखता था। और खुदावंद ने यूसुफ के प्रेम को, उसके मन को, एक अच्छे चरित्र को देखा, इसलिए परमेश्वर ने उसके मन को, उसकी वफादारी को देखकर परमेश्वर ने यूसुफ को मिस्र का, पहले वो पोतीपर के महल का उत्तराधिकारी था, फिर परमेश्वर ने उसके उस वफादारी से उसके मन को देखकर उसने मिस्र का उसे राजा बना दिया।